राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे जरूर लिखिएगा। सावन सोमवार व्रत कथा आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए, इससे आपकी मुरादें पूरी होती हैं। तो जब आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो व्रत की कथा जरूर सुने, और कभी भी व्रत की कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए, उससे पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय, कथा सुनते समय हाथ में अक्षत या फूल ले लें, उसके बाद ही कथा सुने, अकथा पूरी सुने। एक साहूकार था जो भगवान शिव का नित भक्त था। उसके पास संतान की किसी भी कोई कमी ना थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। भक्तिभाव से एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत ही बड़ा भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है, आपको उसे दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अगर पढ़ने के लिए काशी पार्वती साहूकार के बाद उसने बालक का मामा जी को बुलाया अगर मैं और कहा कि इसे काशी का वरदान ले ले जाओ। रास्ते में जिस मिल गए तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, उन्होंने भी इसी प्रभु आपको साहूकार को रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हुआ था हो रहा था जिससे उसका विवाह होने के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा। साहूकार में आया कि प्राप्ति का वरदान दिया, वही राजा ने साधन है केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उस पर कुछ एक मामा से बात प्राप्त हुआ और कहा कि मनाना बंद कर, ये सारी बातें सुन रहा था कि उसे ना किया जो लड़का विवाह के लिए लेकर आई थी। साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा अर्चना विवाह कर उधर से ठानी जाने से पति राजकुमारी महीने ने उसे पल्ले पल्ले दिया। बालक की प्राप्ति विवाह परिवार में मेरे साथ हुआ है, खुशियां मनाई गई। लेकिन साहूकार भेजने से ही काम से काना उसके 12 वर्ष के बाद वह अपने मामा के बारे में जानता था और किसी को जिक्र भी नहीं किया और ना ही जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ था। 11 वर्ष की आयु उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। साहूकार की सेठानी राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई, उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक वापस नहीं आया, बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा, भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मणों जो यज्ञ का कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ का कार्य समाप्त हो गया तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय से पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। जब माता पार्वती कहती कि हे स्वामी, से जीवित कर दे अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी जितनी आयु थी वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का उम्रावास शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य से राजा ने विदा किया। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा तो छत से नीचे उतर आएंगे, और अगर सकुशल नहीं लौटा तो यहीं से छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने अपने साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मामा ने शपथ पूर्वक कहा तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए, कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके समस्त दूर होकर के मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इस तरह से सावन सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को आपको ये व्रत कथा सुनना है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे या सावन के पवित्र महीने में पवित्र शब्द ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।